क्या हीरो? किसका स्केच बना रहा है? कुछ नहीं, वो बस मतलब जिंगारो का। क्या बात है? तेरे से ज्यादा मशहूर तो आजकल तेरा कार्टून जिंगारो हो गया। हाँ यार, स्टूडेंट इसके बारे में भले ना जानते हो लेकिन इसके कार्टून जिंगारो के बारे में सबको पता है। तो देख, आज तेरा और तेरे इस कार्टून जिंगारो का मैं सबके सामने कैसे बैंड बजाता हूँ। जिंगारो हूं जिंगारो, अच्छों का दोस्त और बुरों का दुश्मन। आप लोगों को पता है मैं गोंचा, ये जिंगारो के कार्टून कहां बैठ के बनाता हूं? इस कबोर्ड के ऊपर। अब मैं यहां बैठ जाता हूं और जिंगारो के कार्टून बनाऊंगा। चिंकारो, तुम्हें पता है ना, तुम्हें देख के मेरी पैंट गीली हो जाती है। अबे, जब तुझे पता है कि मुझे देख के तेरी हवा निकल जाती है और तेरी पेंट भी गीली हो जाती है, तूने मुझे क्यों बनाया लंगूर? पर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैं तो अच्छा बच्चा हूं ना? ना तेरी शक्ल अच्छी है, ना तेरी अकल अच्छी है। मैं तुझे मारूंगा, मैं तुझे मारूंगा। गोंचा, तुम बुरा मत मानो, ये सब तो मजाक है ना? मीनल, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। पर गोंचा सुनो। अरे गोंचा नाराज होके जा रहा है? अरे गोंचा मैं भी आ रहा हूँ। गोंचा, ए गोंचा, अरे कहां छुप गया रे गोंचा? अरे कहीं भी छुप जा, जिंगारो उसे ढूंढ निकालेगा। कहां छुपा है तू गोंचा? कहां तक बचेगा गोंचा? ए गोंचा, पार्टी बीच में छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है तूने, अब देख मजा। गोंचा ये तो बंद है। गोंचा, गोंचा दरवाजा खोल। गोंचा देख, मुझे पता है तू अंदर ही है, दरवाजा खोल। गोंचा मैंने बोला दरवाजा खोल। देख गोंचा, अगर जिंगारो गुस्सा आ गया ना तो फिर तेरी खैर नहीं है। खोल दरवाजा, खोल। ठीक है जिंगारो, बाथरूम होके आता है और तब तक तू अंदर रह।
कौन है? कौन है माँ? राजन कहाँ है? राजन कहाँ है? पता? मुझे कुछ नहीं पता। तुझे नहीं पता? तो फिर किसे पता है? कल रात गायब होने से पहले वो तेरे पास में आया था। उसके पास से उसका कुछ पता नहीं। पता जल्दी। पता? क्या? राजन मेरे कमरे में आने वाला था। हाँ। लेकिन मैं तो अपने कमरे में था ही नहीं। तो कहाँ था तू? हाँ? कहाँ था तू? मैं बाहर गार्डन में। जब मैं अपने कमरे में आया तो यहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था। शायद राजन ने ही किया होगा। अच्छा हुआ, लापता हो गया। क्या कहा? क्या कहा तूने? कुछ नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। बहुत होशियार बनता है तू। हाँ नहीं हा? पता राजन कहाँ है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं जानता हूँ तुझे सब मालूम है। सच पूछ, मुझे कुछ नहीं पता। तुझे बोलना पड़ेगा, बोल। ये क्या हो रहा है? गुंजा, गुंजा छोड़ो इसे, छोड़ो। क्या कर रहे हो? बेटा, तेरी किस्मत अच्छी है, आज तू बच गया। अगली बार चलो। गुंजा, तुम क्यों इन लोगों का अत्याचार सहते हो? इन्हें जवाब क्यों नहीं देते? नहीं मिनल, जाने दो ना, बच्चे हैं अभी, शरारत करते हैं। तुम तैयार हो जाओ, नहीं तो आर्ट क्लास के लिए देरी हो जाएगी। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। तुम बहुत अच्छी हो मिनल। ये क्या, फिर से जिंगारू का स्केच? तुम अपना कॉलेज प्रोजेक्ट कब पूरा करोगे? मीनल, ये कॉलेज के प्रोजेक्ट बनाने में मुझे मजा नहीं आता। मुझे बस जिंगारू का स्केच बनाना है। हमेशा मेरा बस एक ही सपना है कि जिंगारू और भी ज्यादा ताकतवर बने, और भी ज्यादा लोग उसे पसंद करें। ओह, बस बस, इसे और ज्यादा ताकतवर मत बनाओ, मुझे इसे डर लगने लगेगा। अरे डरो मत।
मीनल मैं अभी आता हूँ। अरे विशाल तुम कब आए? तुमसे मतलब? क्या बात है, आज जन आपका मूड ठीक नहीं है क्या? तुम हमेशा उस लड़के कोंचा से खुसुर खुसुर करती रहती हो, तुम्हें जलन हो रही है? देखो मीनल, जिस तरीके से वो तुम्हें देखता है, तुमसे बातें करता है, मुझे लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बचपन का दोस्त है और फैमिली फ्रेंड है बस। देखो मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि उसे हम दोनों के रिलेशन के बारे में बता देना चाहिए। ठीक है, वक्त आने पर उसे बता दूंगी अपने दिल का हाल। भागता किधर है? हाँ देख संजय, मुझे छोड़ दे वरना। वरना? वरना क्या कर लेगा, धमकी देता है हाँ? अबे लंगूर, तुझे पता है अभी मैं तुझे यहाँ से नीचे फेंकने वाला हूँ हाँ? नहीं नहीं संजय यार, ये बहुत ऊंचा है, प्लीज छोड़ दे मुझे। छोड़ दूँ? ठीक है छोड़ देता हूँ, फिर तू यहाँ से सीधा नीचे हाँ? नहीं नहीं संजय, प्लीज प्लीज छोड़ दे। राजन की तरह है, मुझे मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता यार। अगर कल सवेरे तक राजन वापस नहीं आया ना, तो मैं तुझे सच में यहाँ से नीचे फेंक दूंगा, समझा? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे इसे क्या हुआ, पानी को क्या हुआ, क्या मुसीबत है यार। तू
तूने तो मुझे डरा ही दिया यार। और तू कल से है कहाँ? बाथरूम में दे चुका है। अच्छा, ये तो क्या है? ये दूसरा जिंगारो? मैं राजन नहीं हूं। राजन तो ये है जो अब एक लाश बन चुका है। यार ऐसा भी तो हो सकता है कि ये खून कॉलेज के किसी स्टूडेंट ने किया हो। वैसे भी कॉलेज में आए दिन झगड़े होते रहते। गरम खून के उबाल में कर दिया होगा किसी ने खून? नहीं राघव, कॉलेजेस में झगड़े भले ही आम हो लेकिन किसी स्टूडेंट का खून नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है किसी आत्मा या दूसरी दुनिया की शक्ति का हाथ इन मौतों के पीछे। चलकर देखते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या राजन और संजय आपके दोस्त थे? आई एम सॉरी, कॉलेज ने हमें इस बारे में किसी से भी बात करने से मना किया है। वो दोनों फुटबॉल प्लेयर थे ना? जाहिर है काफी ताकतवर और फुर्तीले होंगे। उन दोनों को कोई इतनी आसानी से मारते ये बात कुछ गले से नहीं उतरती। हाँ, ताकतवर तो थे लेकिन कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट्स को परेशान भी करते थे। परेशान करते थे? किसे? मैंने कहा ना, मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकती। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, चलो। आप हमें इतना तो बता सकते हैं कि इन दोनों की लाशें मिली कहां थी? जिम के बाथरूम में। जिम के बाथरूम में? चलो चलते, इस वक्त क्लासरूम चालू होगी और वहां पे कोई नहीं होगा। तुम दोनों जिम में जाके देखो, मैं बाथरूम में देखता हूं। इस जगह को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता हूं। कैमरे में पेंट के निशान दिखाई दे रहे हैं।
और बिना कैमरे के मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कि मेरा शक सही था, इन मौतों का कारण कोई आत्मा है, इंसान नहीं, कोई ऐसी आत्मा जिसका शायद कुछ संबंध है पेंट के रंगों के साथ। गोंचा। यस सर। एक बात बताओ। जी पूछिए सर। राजन और संजय तुम्हें बहुत परेशान करते थे ना? हाँ बहुत सर, बिना वजह छेड़ते रहते थे मुझे, और कभी कभी तो मारते भी थे। तो तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी उन दोनों की मौत से? नहीं नहीं सर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं, वो चाहे मुझे कितना भी छेड़ते थे लेकिन थे तो मेरे सहपाठी ही ना। एग्जैक्टली, तुम्हारे सहपाठी ही थे। तो फिर ये क्या है? What is this? ये मैंने नहीं बनाया सर। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने ना तो सिर्फ इस कार्टून को बनाया है बल्कि इसे, इस भद्दी चीज को तुमने नोटिस बोर्ड पर भी लगा दिया। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने नोटिस बोर्ड पर कोई और कार्टून लगाया था, ये वाला नहीं। तो फिर ये नोटिस बोर्ड पर कैसे पहुंच गया? पता नहीं सर, शायद किसी और ने लगाया होगा। किसी और ने? जिंगारू के कार्टून तुम्हारे अलावा इस कॉलेज में और कौन बनाता है? बोलो, जवाब दो। और कोई नहीं सर। तो फिर इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। लेकिन सर मैंने। और तुम्हारी सजा ये है, जिंगारू के कार्टून आज से बनाना बंद। नहीं सर, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए सर, आप नहीं जानते ये कार्टून मेरे लिए कितना मायने रखता है। तो ये हरकत करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। नाउ बैक टू द होस्टल, गेट आउट फ्रॉम हियर। लेकिन सर, क्या हुआ? छोड़ दो। दरवाजा खोलो। गोंचा, शोर मत मचाओ, बस देखते जाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो? गोंचा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने उसे कार्टून बनाने से मना कर दिया? नहीं, बस करो, छोड़ दो उन्हें, क्या कर रहे हो तुम? अब तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी आएगा उसका यही हाल होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस तरह के रंग या पेंट से किसी आत्मा का क्या संबंध हो सकता है? मुझे तो लगता है कि ये आत्मा आर्ट की स्टूडेंट होगी। राघव, ये मजाक का वक्त नहीं है। पर फिर भी एक बार आज क्लास के स्टूडेंट से मिलने में कोई हर्ज नहीं, क्या पता शायद कोई जानता होगा इस आत्मा के बारे में। Ah!
राकेश, यामिनी, प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, हेलो, हेलो एम्बुलेंस सर्विसेज, एवी आज कॉलेज में जल्दी से एक एम्बुलेंस भेजिए, जल्दी। प्रिंसिपल साहब आंखें खोलिए, ये सब किसने किया? कुछ तो बताइए, सर। ये उस कार्टून की तरफ इशारा करे। आप इसे देखकर हमें क्या बताने की कोशिश करें? He's dead. ये तो वही कार्टून है जो वो दोनों स्टूडेंट उसे नोटिस बोर्ड पे लगा रहे थे। हाँ, पर उस दिन इस कार्टून के हाथों में ये दोनों सिर नहीं थे। कहीं ये प्रिंसिपल हमसे ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहा था कि इन मौतों के लिए ये कार्टून जिम्मेदार है?